हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के, वो आपको क्वेश्चन विद आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसका आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डायबिटीज मेलिटस इज ए क्रॉनिक डिजीज कॉज बाय इनहेरिटेड एंड और एक्वायर्ड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियास और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इन विच टर्न लीड टू द डैमेज ऑफ मैनी ऑफ द बॉडी सिस्टम स्पेशली इन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो डायबिटीज मेलिटस होता है वो हमारी एक क्रॉनिक डिजीज है, मतलब ये ऐसा नहीं कि ये एक दो महीने में आपको होके ख़त्म हो जाती, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, इसलिए इसको क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। और ये कैसे होती है, इनहेरिटेड, मतलब ये हमारे जब हमारे फैमिली में किसी को होता है तो वो जेनेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर किसी की फादर मदर को है तो वो उसके मतलब डॉटर में या सन में आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो इंसुलिन, जो पैनक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होता है, इसलिए आपको मतलब बहुत सारे कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसका मतलब मेन कॉज होता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा पैनक्रियास से तो क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और वो हमारे बॉडी के काफ़ी सिस्टम को इफ़ेक्ट भी करेगा, जैसे कि किडनी हो गया, आपकी आई को इफ़ेक्ट करता है, आपके लीवर को इफ़ेक्ट करेगा, आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसे देखने को मिलेंगी, स्पेशली ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और आपको सबसे ज़्यादा जो डैमेज मिलेगा वो आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा और नर्व्स में मिलेगा। ब्लड वेसल्स में क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारा ब्लड होता है वो वेसल्स में होता है और उसी में जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले हमारे ब्लड वेसल्स को ही ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एपिडेमियोलॉजी। इट इज़ अनकॉमन इन इन्फेंट, ये इन्फेंट में इतना नहीं होता, अनकॉमन होता है। इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी अंटिल एडोलसेंट एंड दिस ड्रॉप्ड शार्पली, इट हैज़ टू डिफिनेट पीक्स वन एट अबाउट 5 ईयर एंड अदर अबाउट 10 to 12 ईयर। ये आपको इन्फेंट में अनकॉमन मिलेगा, मतलब ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इसकी फ्रिक्वेंसी कब इंक्रीज होती है, एडोलसेंट से, और फिर इसके बाद में इसकी कम हो जाती है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी आपको एडोलसेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसके मतलब ऐसे दो पीरियड पीक टाइम होते हैं, ऐसे दो एज बोल सकते हैं, ऐसे दो पीरियड बोल सकते हैं जिसमें आपको डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो आपको हो सकता है 5 ईयर की एज में मिल सकता है, आपको 10 to 12 ईयर जो एज होती है उसमें आपको डायबिटीज़ मेलिटस बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन हैज़ आल्सो बीन नोटेड विद चिल्ड्रन बीइंग डायग्नोस्ड मोर ऑफन इन विंटर देन समर मंथ। जो चिल्ड्रन होते हैं वो आपको उसमें सीजनल भी देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि जो बच्चों में डायबिटीज़ मेलिटस हो रहा है वो विंटर में ज़्यादा हो रहा है, मतलब समर के मंथ में कम हो रहा है, विंटर में आपको डायबिटीज़ मेलिटस चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस फाउंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन पर्सन ओवर 14 ईयर्स ऑफ एज हु आर ओबेस एंड हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। आपको जो सबसे ज़्यादा केस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको हो सकता है 14 ईयर्स के, जो 14 ईयर्स के बाद में आपको इसके ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं और जिनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ मेलिटस हुआ है या उनकी एज
40 से ज़्यादा है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, DM लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसको डायबिटीज मेलाइटस पढ़ेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज एमएसएन में आपने पढ़ा होगा डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू पैनक्रियाटिक लेट बीटा सेल डिस्ट्रक्शन प्रीडोमिनेंटली बाय द ऑटोइम्यून प्रोसेस यूजली डेवलप इन चाइल्डहुड अर्ली अडल्टहुड इन अकाउंट ऑफ अप टू 10% ऑफ ऑल डायबिटीज मेलाइटस केसेस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो हमारे पैनक्रियास से बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वो आपकी एक ऑटोइम्यून प्रोसेस हो जाती है। और आपको ये कंडीशन आपको चाइल्डहुड में भी मिल सकती है, आपको बचपन में भी मिल सकती है और आपको अडल्टहुड में भी देखने को मिल सकती है। इट अकाउंट फॉर अप टू 10% जो हमारे डायबिटीज ओवरऑल डायबिटीज मेलाइटस के जो केस हैं उसमें से आपको 10% टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की मिलेंगी, जिसमें क्या होगा, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम इंसुलिन रेसिस्टेंस विद डिफेक्ट इन द कंपनसेंट्री इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन में भी लो नॉर्मल और हाई इज अकाउंट अप टू 90% ऑफ ऑल डायबिटीज मेलाइटस केसेस। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, हो सकता है उसका लो हो रहा है, नॉर्मल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। टाइप 1 में क्या होता था, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता था, बट टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, बट उसका रेजिस्टेंस होता है, मतलब उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है उसको कम कर सके, उसका प्रोडक्शन होता है। और आपको 100% में 90% आपको ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि किन लोगों में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा उनका ओवरवेट है तो उनको ये डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाइपरटेंशन और एनी क्रॉनिक इलनेस। अगर आपको आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या आपको अदर क्रॉनिक इलनेस है तो आपको ये देखने को मिलेगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी की फैमिली में पहले से ही डायबिटीज मेलाइटस का कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है तो वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ये पेरेंट्स से बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका मतलब उसमें डायबिटीज मेलाइटस होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस को यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला हम देखेंगे डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, फोर्थ है हमारा सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंसुलिन डिफिशेंसी, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसुलिन की डिफिशेंसी हो जाती है और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो डायबिटीज मेलाइटस है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इट इज कंबाइंड इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड रिलेटिव डिफिशेंसी इंसुलिन सिक्रेशन इज फ्रीक्वेंटली नोन एज टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब पहला इंसुलिन डिपेंडेंट क्या था, इसमें हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता था, बट टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफिशेंसी भी होती है और उसका रेसिस्टेंस भी होता है, मतलब पहले से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है और जो प्रोडक्शन हो रहा है उतना कैपेबल नहीं है कि वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर सके, इसलिए। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसको GDM बोलेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डेवलपिंग ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ प्रेगनेंसी बट यूजली डिसअपीयर
आफ्टर प्रेगनेंसी। जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है वो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई भी वुमेन प्रेगनेंट है तो उस टाइम पे उसको जो डायबिटीज मेलिटस हो रही है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे। बट आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब बच्चा जब उसका डिलीवर हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो वो उससे मतलब उसको ये जो डायबिटीज मेलिटस है उसको डिसअपियर भी हो जाता है। फोर्थ है हमारा सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस। सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस रिजल्ट फ्रॉम अनदर मेडिकल कंडीशन और ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन दैट कॉज अबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस किसको बोलेंगे, अगर किसी पेशेंट का कोई अदर ट्रीटमेंट चल रहा है, हो सकता है उसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसका ऑपरेशन हुआ है और उसमें जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया है, तो उसको हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे। नेक्स्ट है सिम्टम्स। आपको ऐसे क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे जिससे आप पता कर सकते हो कि इसको डायबिटीज मेलिटस है। पहला है पॉलीयूरिया। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, मतलब जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने जाएगा। पॉलीडिप्सिया, इसमें बहुत ज़्यादा आपको थर्स लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी पेशेंट को। पॉलीफेजिया, और इसमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। आपने अगर देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वीकनेस, और इसमें मतलब वीकनेस भी आ जाती है। वेट लॉस, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेट लॉस हो जाएगा, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। फ्रिक्वेंट एपिसोड ऑफ थ्रस्ट, आपको बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगेगी। कट और वुंड दैट हील स्लोली, अगर डायबिटीज मेलिटस वाले को अगर कोई भी वुंड हो गया है, कट लग गया है, तो बहुत ज़्यादा वो स्लोली हील होता है। ब्लर्ड विजन, और इस पर आई में भी इफेक्ट पड़ता है, इससे उसको ब्लर्ड विजन हो जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस मैनेजमेंट। इसका हम मतलब कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला आपका मैनेजमेंट आएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें मतलब हम कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। जैसे कि हम न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे, उसको मतलब हाई फाइबर देंगे और उसकी जो फैट है वो उसकी न्यूट्रिशन, जो हम उसको जो डाइट दे रहे हैं उसमें फैट कम रखेंगे और हमें हाई फाइबर डाइट देनी है। रेगुलर एक्सरसाइज, और उसको बोलेंगे कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइट। आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको ऐसा कोई भी फूड नहीं लेना है जिसमें कि शुगर कंटेन हो, आपको शुगर कंटेन वाले फूड कम लेने हैं। नो स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग बंद करना होगा, वरना आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। नो अल्कोहल, और आपको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम मतलब मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला गया है। डायबिटीज़ वन, जो टाइप वन डायबिटीज़ मेलिटस थी उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, जनरली ट्रीटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर एंड NPH न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडन इंसुलिन सिंथेटिक इंसुलिन एनालॉग्स वेन इंसुलिन इशू टाइप टू डायबिटीज लॉन्ग एक्टिव फॉर्मुलेटिंग यूजली एडेड इनिशियली वाइल कंटिन्यूइंग ओरल मेडिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो टाइप वन डायबिटीज मेलिटस होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसमें आपको NPH एक इंसुलिन इंजेक्शन होता है जो आपको इंजेक्ट करना पड़ता है, और जो टाइप टू डायबिटीज मेलिटस है उसको हम मतलब इजिली ओरल मेडिकेशन लेके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि विगानाइड्स हो गया, सल्फोना ल्यूरिया हो गया, मैग्नीटाइड्स हो गया, ये सारी ट्रीटमेंट लेके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं टाइप टू डायबिटीज मेलिटस को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम इसको प्रिवेंशन मतलब हमें डायबिटीज मेलिटस ना हो इसलिए हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, अगर हो भी गया तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। इट वुड बेसिकली इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेट मोटिवेट कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। मतलब हमें जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमें मोटिवेट करना है, उनको हमें एजुकेट करना है कि आपको हेल्दी फूड लेना है, चूज फूड लोअर इन फैट एंड कैलोरी हाई फाइबर डाइट। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपको अपनी डाइट में फैट को कम करना है। फोकस ऑन फ्रूट वेजिटेबल्स एंड
होल ग्रेन्स। आपको अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करना है, वेजिटेबल्स लेना है, आपको ग्रेन्स यूज़ करना है। गेट मोर फिजिकल एक्टिविटी, और आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। टेक ए ब्रिस्क डेली वॉक, आपको मतलब डेली वॉक करनी है, लॉस एक्सेसिव किलोग्राम, और बहुत ज़्यादा आपको वॉक करनी है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, इट वुड बी थ्रू अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मेनली स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इससे मतलब हम स्क्रीनिंग करेंगे, इसमें यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन से ब्लड शुगर का लेवल पता चल जाता है, फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें हम मतलब फास्टिंग में भी ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, रैंडम मतलब दिन में कभी भी इसको चेक कर सकते हैं। इसमें हम ओरल GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। GTT का मतलब ये होता है, GTT टेस्ट एक मतलब ये आपको लेबोरेटरी में किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो आपके जो मसल हैं और जो ऑर्गन है वो कितना ले जा रहे हैं, ग्लूकोज को कितना कंटेन कर रहे हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब ये है, इस टेस्ट में हम पता करते हैं कि जो पेशेंट है उसका 2 या 3 मंथ पास्ट मतलब पहले कैसा उसका ग्लूकोज लेवल रहा है। टर्सरी प्रिवेंशन क्या करते हैं, फॉलो अप द पेशेंट को हम फॉलो अप के लिए बोलते हैं। टू एडवोकेट कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, और उसको हम एडवाइस करेंगे कि आपको जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपको कंटिन्यूसली लेना है। टू एजुकेट पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड वेरियस प्रिकॉशन टू बी टेकन, और आपको बताना है कि उसका आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। नेक्स्ट आपका मेन रोल आता है नर्सेस रोल इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। नर्सेस का क्या रोल होता है डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करने में, एनालिटिकल स्किल। डायबिटीज़ मैनेजमेंट नर्स मस्ट प्रोसेस एनालिसिस पेशेंट इंफॉर्मेशन टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ डायबिटीज केयर, इंक्लूडिंग चेंजिंग इंसुलिन डोज, प्रिस्क्राइबिंग थायराइड मेडिकेशन, एडजस्टिंग टारगेट ब्लड ग्लूकोज गोल, अपडेटेड इंसुलिन टू कार्ड रेशियो। इसमें मतलब वो एनालिसिस करती है, वो देखती रहती है कि जो पेशेंट है वो कितना डोज ले रहा है और वो अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर रहा है। अगर इंसुलिन की डोज चेंज होनी होती है तो वो उसको एडवाइस करती है, मतलब सारा कुछ देखती है। एनालिटिकल स्किल उसमें होनी चाहिए रोल नर्स के पास। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, नर्स शुड बी एबल टू क्लियरली कम्युनिकेशन एनी ट्रीटमेंट चेंज बाई डॉक्टर टू पेशेंट, और जो नर्स होती है वो पहले डॉक्टर से क्लियर करती है अगर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई भी चेंजमेंट हुआ है तो वो पेशेंट को बताएगी। अटेंशन टू डिटेल, इवन स्लाइटेस्ट चेंज इन द ब्लड वर्क ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन इवन हैव इम्पैक्ट ओवरऑल द पेशेंट वेलबींग, सो डायबिटीज नर्स मस्ट क्लोजली मोनिटर पेशेंट ट्रेंड। मतलब जो नर्स होती है उसको उसका लेवल पता करना है, अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली अगर उसका बढ़ा हुआ है तो वो उसके पूरी बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए आपको उस पेशेंट को बताना है। इंटरपर्सनल स्किल, नर्स फ्रिक्वेंट डिस्कस पेशेंट इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट मेथड विद पेशेंट अदर हेल्थ प्रोफेशन, दे शुड बी एबल टू डू टैक्टफुल और प्रोफेशनल मैनर। वो जो नर्स होती है वो अदर हेल्थ के प्रोफेशनल हैं, वो उसके साथ भी उस पेशेंट की कंडीशन को डिस्कस कर सकती है जिससे कि वो उसका जो डायबिटीज मेलाइटिस की केयर है अच्छे से दे पाए उसको। लीडरशिप स्किल, नर्स के पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, बींग एबल टू डायरेक्ट अदर नर्स एंड मेडिकल स्टाफ ट्रीटमेंट प्रैक्टिस पेशेंट टू की डायबिटीज मैनेजमेंट। नर्स स्पेशली दोज ऑफ लीडरशिप पोजिशन हु डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द अदर नर्स, मतलब जो भी उस टीम में जो भी हेल्थ वर्कर हैं जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रॉड नॉलेज बेस, मोस्ट न्यूली डायग्नोज डायबिटीज पेशेंट विल हैव लॉस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट देयर कंडीशन, नर्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड पेशेंट विद डायबिटीज डिजीज मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, आंसर डायबिटीज रिलेटेड क्वेश्चन अबाउट इंसुलिन डिलीवरी एंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट। जो भी नए पेशेंट होते हैं जिनको मतलब जिनको तुरंत डायबिटीज मैनेजमेंट हुआ है
तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है और इसमें क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है, तो बहुत सारे उनके पास क्वेश्चन होते हैं। तो नर्स को वो सारे क्वेश्चन उनको क्लेरिफाई करने चाहिए और जो इंसुलिन कैसे उनको डिलीवर करना है वो भी उनको बताना चाहिए और ब्लड शुगर को कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन उसको कैसा लेना है, उनको डाइट कैसे रखनी है, अगर स्मोकिंग करना है कर रहा है तो उसको आपको रोकना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.